सबको प्रणाम, सब लोग आए। हर साल ऐसा आके मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलके ये दिन ऐसा बिताना, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है। अभी ये चार बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप पूछ रहे हैं मेरा ट्रस्ट के तरफ से, ये चारों को 100% मैं स्कॉलरशिप दूंगी। और ये चार लोगों का जो पढ़ाई है जब तक ये डिग्री तक ख़त्म करेंगे, मेरा ट्रस्ट राधिका चैरिटेबल ट्रस्ट इनका कंपलसरी इनका एजुकेशन का देखभाल हम करेंगे। और ये जो है इनका लड़की का शादी है, इसने हमको ये कार्ड दिया है, तो 100% इनका शादी का जो जो एक्सपेंसेस है मेरा ट्रस्ट देख लेगा। सो बहुत शुक्रिया है आप सब लोगों को इधर आने के लिए, थैंक यू सो मच। तो शुक्रिया है सब लोग आए मेरा बर्थडे के दिन, हर साल ऐसा आके आप लोग सब लोग मुझे ये जो बर्थडे के दिन ये सब लोग आके आप टाइम निकालते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार मेरा ट्रस्ट के तरफ से हम लोग MNJ कैंसर हॉस्पिटल जो नीलोफर कैंसर हॉस्पिटल के बाजू है, हम वो हॉस्पिटल को नया शेड बना रहे हैं जो राधिका चैरिटेबल ट्रस्ट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उनका फर्नीचर और उनका गार्डन शेड पूरा बना के दे रहे हैं, जिसमें रोज़ एक 200-300 लोग आके उधर वेट करेंगे। तो उनका वो पेशेंट्स का वेटिंग एरिया है और आउट पेशेंट्स का भी वेटिंग एरिया जो हम लोग बना रहे हैं, वो लोग हमको आके अप्रोच किया था मेरे ट्रस्ट को। तो मेरा ये 2023 का यही नया वाला प्लान है राधिका चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से। तो मैं बहुत खुशी हूँ कि मैं आज ये खुशी आप सब लोगों से बांटना चाह रही हूँ। तो बाबा के कृपा से सब ठीक हो जाएगा तो 2 मंथ्स में ये शेड का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये नीलोफर कैंसर हॉस्पिटल के पास है। जब ये ख़त्म हो जाएगा सब लोग को मुझे सपोर्ट करने के लिए सब लोगों को आना पड़ेगा कंपलसरी, और मुझे भी ब्लेसिंग्स देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच भैया।